केएस स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं आपको जोर से आज मैं आपको जो है सर्कल के बारे में बताऊंगा। जैसे गांव के बच्चे होते हैं और वो उनके लिए पक्का सर्कल नहीं मिलता, तो वो कहीं जैसे गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए सर्कल ना होने की वजह से जो परेशान रहते हैं कि कितना बड़ा सर्कल होता है, उसका व्यास कितना होता है, त्रिज्या कितनी लीनी होती है सर्कल बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आप जो कच्चा सर्कल बना सकें अपने ग्राउंड पर और जो है वहाँ प्रैक्टिस कर सकें, खासकर गाँव के बच्चों को। और जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ भी जो है कभी कभी टीचर्स को ये पता नहीं होता कि इसका मतलब सर्कल का जो है व्यास कितना होता है, त्रिज्या कितनी होती है, तो उनके लिए भी ये चीज़ मैं बतानी चाहूँगा कि आप जो है सर्कल आसानी से कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ लेनी होती है और किस तरह से आप कच्चा सर्कल बना सकते हैं ग्राउंड के, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्योंकि सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि अच्छा ग्राउंड में जा सकें, अच्छे ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकें, गाँव के बच्चे खासकर, और जो है उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि सर्कल कैसे बनाएं। तो आज मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि आप सर्कल कैसे बना सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ लेनी होती है, कितना आपका व्यास होता है, कितनी त्रिज्या हम रखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा ताकि आप अपने सर्कल बना करके प्रैक्टिस कर सकें। देखिए इसमें क्या है कि आप जो है हमने दो भाले ले रखे हैं, ठीक है, आप भाले लकड़ी ले लेंगे आप, अगर आपके पास भाले नहीं है तो आप लकड़ी ले लेंगे, कोई भी चोंचदार चीज़ ले लेंगे ऐसी। और जो है इसमें क्या होता है कि हमारा हम डिस्कस के सर्कल के बारे में बताएंगे कि डिस्कस के सर्कल की जो व्यास होती है वो 2.5 मीटर का डायमीटर होता है, 2.5 मीटर का सर्कल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दो लकड़ी ले लेंगे, जैसे ये दो जैवलिन है, ऐसे दो लकड़ी ले लेंगे और उसमें क्या है हम उसमें ऐसे 1.25 मीटर की जो है इसकी त्रिज्या रखेंगे, 1.25 मीटर की लंबाई की रस्सी ले लेंगे, 1.25 मीटर, 2.5 मीटर का उसका डायमीटर होता है, ध्यान रखिए, उसमें जो है 1.25 मीटर की ऐसे रस्सी ले लेंगे और दो लकड़ी में ऐसे बांध देंगे, ऐसे करके, ये जैवलिन है आपके पास आप लकड़ी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसे हम ये बांधेंगे बीच में। और ये बांधने के बीच बाद में हम क्या करेंगे, इसको जहाँ भी आपको सर्कल बनाना है वहाँ सेंटर में रख देंगे, मान लो हमें यहाँ बनाना, ये हमने सेंटर में रख दिया, सेंटर में रखने के बाद हम जो है इसमें इसको इसको ऐसे खींच के रखेंगे पूरा, और जो है एक पूरा राउंड जो है इसमें ऐसे पूरा राउंड है इस तरीके से, पूरा एक राउंड हम दे देंगे, ये तो ये हमारा जो है ये हमारा डिस्कस का जो है सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, तो ये हमारा डिस्कस का एक सर्कल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे उसके बाद हम जो है इसमें जो है इससे जो है निशान लगा लेंगे फावड़े से, आपके पास जो भी खुरपा हो या कुछ भी हो उससे जो है इसके लिए हम जो है निशान लगा देंगे, ऐसे ये निशान इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगा देंगे चारों तरफ, और निशान लगाने के बाद जो है हम इस पर इस तरीके से ये डाल देंगे, ऐसे ये हम इस पर इस तरीके से ये डाल देंगे, तो ये हमारा एक जो है पूरा पूरा जो है डिस्कस का सर्कल तैयार हो। इस तरीके से आप जो है डिस्कस सर्कल जो है अपने जो है ग्राउंड पे जो बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करें शॉट पुट की, तो शॉट पुट के अंदर जो है थोड़ा छोटा होता है, उसमें 2.135 जो है उसका व्यास होता है और उसका हम आधा करके जो है उसकी त्रिज्या जो है बना लेंगे, ऐसे जो हम डिस्कस शॉट पुट बना लेंगे। डिस्कस मैंने बताया कि 2.5 मीटर का होता है, उसका हाफ कर लेंगे आप तो आपका जो है उसकी त्रिज्या जो होगी वो जो है 1.25 मीटर की जाएगी, 1.25 मीटर। ऐसे जब हम शॉट पुट का बनाएंगे तो उसका जो होता है वो होता है 1.135 मीटर, 2.135 मीटर ऐसे, तो उसका हम हाफ कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे उसको हाफ करके उसकी त्रिज्या बना करके हम उसका जो है इस तरह से आप जो है बना करके हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं।